What's up? This is Vaishali here. Once again, welcome and welcome back to my channel and welcome to another episode of Beginner Series. तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रेंच ब्रेड लेके आई हूँ. फ्रेंच ब्रेड, बेसिक फ्रेंच ब्रेड जो होती है वो टॉप से होती है और बैक साइड पे होती है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी. और कभी कभी हम लोगों के जो है वो बाल जो हैं वो बम्प्स उठ जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है और आप लोग उसे ढंग से कर भी नहीं पाते हैं. तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी कि आप उसको कैसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो आपको थॉरली कॉम करना है अपने हेयर्स पे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टैंगल नहीं होना चाहिए बालों में, नहीं तो आप सेक्शन टू सेक्शन ग्रैप करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो कॉम करने के बाद हम डायरेक्शन जो है बालों का वो बैक साइड पे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक साइड पे ब्रेड बनानी है. तो डायरेक्शन अच्छा होगा कि हम बैक साइड पे कर ले पहले से, तो हमें इजी हो जाएगा ब्रेड बनाने में. तो ये स्टेप करने के बाद हम टॉप से बालों को ग्रैब करेंगे. मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ. हमने टॉप से बालों को ग्रैब किया है, उसके बाद उन बालों को तीन इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सेक्शन, मिडिल सेक्शन और राइट सेक्शन है. तो लेफ्ट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के ऊपर से ले जाएंगे, देन राइट सेक्शन को मिडिल सेक्शन के ऊपर से ले जाएंगे. अब लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट की तरफ से बालों में ऐड ऑन करेंगे. यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से बालों को ऐड ऑन करती हूँ, एक लाइन बनाते हुए, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए. मेरे बाल जितने आते हैं बाल, मैं उन बालों को ऐड ऑन कर लेती हूँ अपने लेफ्ट सेक्शन में. उसके बाद मिडिल सेक्शन के नीचे से ले जाएंगे, देन राइट सेक्शन में भी बालों को ऐड ऑन करेंगे सेम फिंगर की हेल्प से. आप स्ट्रेट लाइन आप फिंगर की हेल्प से ड्रॉ करते जाइए और आपके बाल में जितने आप फिंगर में आपके बाल आते हैं आप उस सेक्शन में उसे ले लीजिए. इससे क्या होता है कि आपके सेक्शन बहुत ही क्लियर दिखते हैं दोनों साइड से और वो इक्वल भी रहते हैं. तो आप ये ट्रिक फॉलो ज़रूर करिएगा अपनी ब्रेड में बनाते समय, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी. तो यही स्टेप होते हैं, आपको दोनों साइड से थोड़े थोड़े बालों को ऐड ऑन करना रहता है और अपने सेक्शन में मिला देना है और ब्रेड कंटिन्यू करनी है. तो यहाँ पे मेरे बाल सारे ऐड ऑन हो चुके हैं, हम नॉर्मल ब्रेड बना लेंगे. अगर आपके बाल मेरी तरह लंबे हैं तो आप ब्रेड को आगे की तरफ ला के भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ बहुत दुखेंगे. तो मैं आगे की तरफ से अब ब्रेड बना ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई भी सेक्शन उसमें ऐड ऑन नहीं करना है. तो मैं नॉर्मल ब्रेड बना लूँगी और एंड्स को सिक्योर कर लूँगी रबर बैंड की हेल्प से. तो ये है गाइस फाइनल लुक आपका, ये है बेसिक फ्रेंच ब्रेड. अगर आपको इसके और वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. और ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. सो फ्रेंड्स, सी यू सून. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय.